नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे पेंटामीटर के बारे में, आयामिक पेंटामीटर के बारे में। ठीक है, शुरुआत में सीधा मैं बता देता हूँ जो काम की चीजें, बाद में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूंगा। तो जो काम के बच्चे, इनके पास टाइम नहीं है, वो इसे पढ़े और जस्ट मूव ऑन योर वर्क, और जिसको थोड़ी डिटेल पढ़नी है वो रुके रहना। आयम्बिक पेंटामीटर, व्हाट इज आयम्बिक? बेटा आयम्बिक होता है कि जब कभी एक अनस्ट्रेस लेवल दूसरे स्ट्रेस लेवल को फॉलो करता है, सिलेबल को। अब इस लेवल क्या होते हैं, ये स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस मतलब जब हम किसी वर्ड पे जोड़ देते हैं, है ना, स्ट्रेस जोड़ देना, ठीक है जी। सिलेबल क्या है बेटा, सिलेबल वर्ड है, समझे बाबू लोग, भाई लोग, बहन लोग, वर्ड है जिसके अंदर एक वॉबल होता है, एक वर्ड है, वॉबल होता है, ठीक है, लेकिन टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन एक वर्ड है। दो वर्ड है यहाँ पे, एक थोड़ा स्लो बोला जाएगा, दूसरा उठ के बोला जाएगा, थोड़ा तेजी से बोला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुझे मैं कह रहा हूं ना, उठ के, ठीक। अब बात आती है आयम्बिक का मतलब होता है जब कोई, इसको लिखते रहिए, नोट सब बनाते रहिए। देखिए अगर आपको आगे पढ़ना, मैं साफ बात है, बाद में फिर इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेट कर पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जब भी आपके टीचर भाई भी खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो अनस्ट्रेस लेवल फॉलो करता है, स्ट्रेस लेवल को, क्लियर है। अब आता है पेंटामीटर। मीटर तो मतलब एक तरीके का एक मीटर है, ये यहां से ऊपर मत जाना, मतलब आपको 5 फुट से ऊपर नहीं जाना, 3 फुट से ऊपर नहीं जाना, 5-4 फुट से नहीं जाना। अभी फुट की बीमारी है, उस बीमारी से पहले बता दो पेंटा क्या है। बेटा पेंटा का मतलब 5, ठीक है, ट्राई का मतलब 3, ढाई का मतलब 2, इसमें 5 फुट लगते हैं। अभी फुट क्या है, ये पैर, ये वाला पैर नहीं, ठीक है। और कई बार कंफ्यूज ये होते हैं कि फुट और फीट क्या अंतर है। देखिए जब जनरली जनरल जिंदगी में जो हमारा पैर होता है ना, वो फुट होता है, एक ये वाला फुट, फुट से फीट बना है, टूथ फुट, टीथ फीट, और वो जो होता है 4 फुट, 5 फीट, फुट, ये मुझे बताना कि जो मेजर वाला फुट होता है, फीट होता है। एनीवे, तो पेंटामीटर, मीटर पता लग गया, इसका एक तरीके की स्ट्रेंथ, एक लाइन है कि ये मीटर है, बस इसमें जाना नहीं बाहर, बस। पेंटा मतलब 5 फुट, फुट ये इंपॉर्टेंट है बेटा। फुट का मतलब यही होता है जिसके अंदर ये, एक फुट मतलब जिसके अंदर एक स्ट्रेस लेवल और एक अनस्ट्रेस लेवल, मतलब एक, मतलब एक वर्ड स्ट्रेस का होता है और एक अनस्ट्रेस का होता है, ऐसे 5 कॉलम, ठीक है। इसमें एक कहानी जो मैं पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि आयम्बिक का मतलब है एक स्ट्रेस को स्ट्रेस फॉलो कर रहा है, तो फिर फुट क्यों बोल रहे हैं, इसको 5 आयम्बिक क्यों नहीं बोल रहे, समझो, ये मेरे दिमाग में आता था। मैं कई बार पढ़ता था, मैं इसको फुट बोल रहे हैं, इसको आयम्बिक क्यों नहीं बोल रहे। देखो ये बात तो ये, भाई एक अनस्ट्रेस को सिलेबस को ही फॉलो करता है तो आयम्बिक, इसको आयम्बिक बोल दो, फुट क्यों नहीं बोल रहे, इसको फुट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि एक फुट का तरीका होता है कि उसके अंदर ये पैटर्न फॉलो हो, ठीक है। और आयम्बिक का मतलब यह है कि जब एक स्ट्रेस अनस्ट्रेस को फॉलो करे, तो ये आयम्बिक है। फुट का पैटर्न ये है, ये वाला एक फुट है, ये फुट है, ये फुट है, फुट है। और फुट के अंदर एक खास बात क्या है, जो साउंड है उनका एक तरीका है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, फिर भी दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। अब आप समझिए, पेंटा 5, मोनो 1, डाई ट्राई टेट्रा, ये अलग हो सकते हैं, अलग अलग राइम स्कीम में बहुत लोगों ने टेट्रा मीटर भी बहुत यूज किया है, क्लियर हो गया। अब आपको बताता हूँ पेंटामीटर बेसिकली है क्या, किस किस ने पेंटामीटर यूज किया हमारे पोएट्री की दुनिया में, ये मैं बता देता हूँ। अभी चौसर ने खूब यूज किया, शेक्सपियर ने खूब यूज किया, मिल्टन ने पैराडाइज लॉट में, शेक्सपियर ने कैंटरबरी टेल के अंदर, और शेक्सपियर ने हैमलेट के अंदर टू बी और नॉट टू बी के अंदर भी यूज किया है। आ रहा हूँ उस मुद्दे पे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इतने महान राइटर क्यों बने, पोएट क्यों बने, क्योंकि इन्होंने बात तो बताई लेकिन फिर इन मीटर्स का भी यूज किया। अब आपको जब मैं बताऊंगा तब पता चलेगा कि मीटर सच में कितना मुश्किल हुआ होगा इनके लिए लिखना, और इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। सुनते हैं, समझते हैं कि पेंटामीटर की लाइन किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। और बोलने का तरीके, कुछ सिंबल्स होते हैं, वो ये सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल्स यहाँ भी नहीं, कई खाली अंग्रेजों में होते हैं, हमारे इंडियंस में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पल पल दिल के पास, हो, 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 इस तरह हम ऐसे ऐसे लगा देते हैं, ये, ठीक है, इस तरह से हम भी इसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि तू तू उ, ये मीड़ जा रही है, बोलते हैं मीड़, धरी रा फिर चली रा बात फूलों की, अब की ई ई, ठीक है, ये क्लासिकल मोड है, अब मेरे को आता है, मैंने सीखा हुआ है, तो अब इसमें की के कैसे करोगे, तो हमारे में भी होते हैं। तो इसके अंदर ये सिंबल होता है, यू सा बना देते हैं, ऐसा यू 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 आई ये। अब मुद्दा है सर, आपने सब तो बता दिया, पर ये है क्या, ये तो बताओ,
इससे पहले और बता रहा हूँ, इसके अंदर ये होता है ना, जो इसकी जो टेक्निक्स होती है, इसको आप फॉलो करो तब आप समझ जाओगे। अभी क्या है बताता हूँ, मजा आएगा बहुत। मैंने भी पहली बार पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने सीखा तो मजा आया इसमें क्या है, किस तरीके से। ये क्या है, डा डम डा डम डा डम डा डम डा डम है, यो का आपत है। अब समझना, शेल आई कंपेयर दी टू आर सम मिस्ट्री, समझ रहे हो आप। तो ये साउंड करता है जब आप स्टेज पे होते हो, ये व्हेन यू आर डिस्क्राइब पोएट्री, तो ये साउंड करता है, गाना है। तुझे देखा है तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, कौन सुन रहा है फिर इसको। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये सुनेगा, हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से पल पल, अगर आप वैसे बोलोगे पल पल दिल के पास तुम रहते हो मीठी प्यास, नहीं होगा। उसके अंदर रिदम सुर, कहते ना सुर ताल बोल चाल गाने का तरीका, ठीक है। तो ये सब जब जुड़ जाता है तो मजा आता है। तो आयमिक पेंटामीटर का मतलब यही है कि इसके अंदर चीजें इस तरह से चलती हैं, टक 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 टक, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, हल्का सा यहाँ पे सांस लिया जाता है, जैसे कि शेल आई कंपेयर दी टू असम, तू मुझे क्या मारेगा बता, अवे बता बे तू बत, इस टाइप से। तो आप कोई भी एग्जांपल ये ले लेना, जब आप अब एम इंग्लिश वालों के लिए किस काम के लिए, जब आप लिखोगे व्हेन यू मेंशन दैट द मे बी द पोएट्री रिटन इन एम्बी पेंटामीटर, मे बी दिस लाइन रिटन इन एम्बी पेंटामीटर, टू बी और नॉट टू बी आ गया, आपने लिखा है रिटन एम्बी पेंटामीटर, तो आप लिख सकते हो कि ये एम्बी पेंटामीटर है क्यों है, या कहीं पर एम्बी पेंटामीटर का जिक्र हुआ वहां पर आपने मेंशन करो एम्बी पेंटामीटर का, तो वहां एग्जांपल दे दो, एग्जाम को अच्छा लगेगा, चलो इसको पता भी है। तो ये बड़े इस तरीके से आपको मजा आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है एम्बी पेंटामीटर मैंने आपको मैनेज करा दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा एम्बिक पेंटामीटर क्या है। कंफ्यूजन अगर कोई भी हो आपको, जो कि मुझे पता एक हो सकती है, जो कुछ बच्चे होते हैं जिसमें भी था कि भी पेंटा मतलब पांच है, मीटर मतलब ठीक है, एक एक मीटर का मतलब एक 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 तरीके का एक मेजरमेंट है कि इससे ऊपर नहीं जाना, एम्बिक का मतलब है कि भाई एक अनस्ट्रेस लेवल स्ट्रेस को वाली बात कर रहा है। अच्छा एक बात और भी है पेंटा की बात समझना, कि इसमें अगर कंफ्यूजन है तो पेंटा अगर हम एम्बिक को खत्म कर दें तो पेंटा का मतलब है पांच फुट, ठीक है, और इसके अंदर ये स्कीम चलेगी, लेकिन स्लेवल वाला सीन नहीं होगा, आप समझिए, ठीक है। आप देखिए ए ई आई ओ यू दो, ए आई ओ ए ई ओ ए यू ई ए, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है स्लेवल मतलब क्या, स्लेवल मतलब क्या, इसके अंदर वॉबल यूज हो रहा है, मैंने पहले बताया, ठीक है। अगर आप वॉबल यूज ना करें तो ये आई एम भी खत्म, पेंटामीटर चलेगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मान के चलो मैं यूज करता हूँ यू वाई ओ यू, वॉबिल आ गया, जैसे कि आई आई वॉबिल आ गया, जैसे कि सम वॉबिल आ गया, वर्ड ही नहीं आ रहा मेरे पास, अरे भैया कहाँ गए वर्ड, मीटर में वॉबिल आ गया, पोएट्री में वॉबिल आ गया, बिना वॉबिल का वर्ड है नहीं है, चौसर में वॉबिल आ गया, ओटावा वॉबिल आ गया, अरे भाई बिना वर्ड वॉबिल के है नहीं क्या। अच्छा मान के चलो इंग्लिश में वॉबिल आ गया, बुक में वॉबिल आ गया, फोन में वॉबिल आ गया, अरे इसका मतलब यह है कि वर्ड्स टू फाइंड वर्ड्स विदाउट वॉबिल इट इज नॉट एज ईजी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड, मैं समझ बता रहा हूँ, मेरे पास किताब है, मेरे को वॉबिल के बिना किताब नहीं ना मिल रही, विद ग्रेट देखो ह्यूज वॉबिल सक्सेसफुली फॉर हिज आई, देख रहे हो आपके बिना वॉबिल का वर्ड ही नहीं मिल रहा यार, कितनी कमाल की बात है, ये तो बेइज्जती होगी दोस्तों। बिगिन देन विद नहीं है, वाज में वॉबिल, दी मैन वॉबिल, अरे भैया लैंग्वेज में वॉबिल, वैन में वॉबिल, अरे कोई वर्ड बिना वॉबिल के है, अरे ये क्या है, बिना वॉबिल के कोई वर्ड हो ही नहीं सकता, किल किंग। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको पता है, इसके अंदर भी कुछ कहानी है, सब वर्ड में वॉबिल है, ज्यादातर वर्ड्स में वॉबिल क्यों रखा गया, ठीक है। तो आप इसको समझिए कि अगर मान के चलो मैं बोलता हूँ लव वॉबिल, यू वॉबिल, आई वॉबिल, वाट वॉबिल, क्वेश्चन वॉबिल, फोकस वॉबिल, एंड वॉबिल, एक्सपोजर वॉबिल, लॉक्ड वॉबिल, कैमरा वॉबिल, लाइट वॉबिल, सो द वर्ड्स टेल मी विदाउट वॉबिल कैन यू सजेस्ट, तो जो भी वर्ड बिना वॉबिल के मुझे बताइएगा। तो इसलिए टेंशन तो लेने वाली बात ही नहीं, स्लेवल वर्ड सारे ही आ जाते हैं, ठीक है। मिल्टन ये तो कर नाम हो गया,
आपको मुझे पूरी समझ में आ गया होगा, और ऐसी चीज भी आज मिल गई थी वोवेल की फॉर्म में जो आपको आज से पहले पता भी नहीं होगी, जाने अनजाने में ये मैंने बता दिया, बताना मैं बाद में चाह रहा था बट ठीक है बात आ गई, थैंक यू वेरी मच। तो आपको पता लग गया आयनिक पेंटामीटर क्या होता है, तो नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आई होप कि आपको समझ में आएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।